आगे बढ़ रहे हैं सर, अपने एग्जाम्पल 27 की बात कर रहे हैं। देखिए सर क्या कह रहा है एग्जाम्पल 27। कह रहा है देर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर, 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, 52 C2 and 32 both the chemicals C1 and C2. Find number of individuals exposed to. अब यहां अगर हम लोग क्वेश्चन को समझें तो ये कह रहा है कि 200 ऐसे हैं जो कि किसी ने जो कि स्किन डिसऑर्डर से जो है इन्फ्लुएंस है, उनको कोई ना कोई स्किन डिसऑर्डर है उनको, और 120 ऐसे हैं जो सेट C1 से बिलोंग कर रहे हैं, 50 ऐसे जो C2 से बिलोंग कर रहे हैं, 30 ऐसे जो दोनों से बिलोंग कर रहे हैं। तो सर अगर पहले बच्चों को दिक्कत रहती है तो सबसे पहले आपको वेन डायग्राम की तरफ ही अप्रोच करना चाहिए, आपके माइंड में जो है उसका पूरा पिक्चर जो है बन जाएगा। तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो क्या रहेगा, अभी 200 बोलूं या यूनिवर्सल सेट 200 बोलूं या फिर 200 को मैं यूनियन बनाऊं, ये सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे दिमाग में। तो सर उसने कहीं से कहीं तक नहीं लिखा है कि 200 में हर किसी को C1 और C2 टाइप का डिसऑर्डर है, ऐसा उसने नहीं लिखा है। उसने बोला स्किन डिसऑर्डर है, तो हो सकता है C1 C2 के अलावा और भी केमिकल्स हो, तो ये कॉमन सेंस हमें लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात, क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ भाई, ऐसा भी हो सकता है ना कुछ और कोई डिसऑर्डर रह रहा हो। तो ये हमारा 200 हो गया। अब यहां पर C1 टाइप C2 टाइप का केमिकल, तो C1 C2 और इनकी वैल्यू दे रखी है हमको कितनी कितनी दी है, देखो C1 से 120 एक्सपोज्ड है और C2 से 50, और जो दोनों में है वो 30 है, यानी कि इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया है। तो यहां पर क्या आएगा 90, यहां पर क्या आएगा 20। तो सर यहीं से समझ लेना चाहिए कि हमारा जो यूनियन है वो 90 प्लस 30 प्लस 20 यानी कि 140 हो गया, मतलब 60 ऐसे होंगे जिनको कोई ना कोई डिसऑर्डर तो है लेकिन वो C1 और C2 से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। बात समझ में आई? अरे कुछ समझ में आ रहा तुम्हें? तो यहां पर हमें दिया क्या है, हमें यूनिवर्सल सेट दिया है 200। लिखना तो पड़ेगा ना, लिखने के मार्क्स मिलेंगे ना हमें, वेन डायग्राम तो ठीक है अपनी जगह। और फर्दर हम देखें तो जो हमारा एन ऑफ ए है, एन ऑफ ए जिसे मैं कह रहा हूं कि वो C1 टाइप है तो 120, इसी तरीके से एन ऑफ बी जो है वो हमें दे रखा है 50, और इसी तरीके से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमें दिया है 30। तो क्या हम यहां से एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड कर सकते हैं? डेफिनेट सी बात है फाइंड कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, 120 प्लस 50 माइनस 30, यानी कि हमारे यूनियन का वैल्यू निकल कर आया 140। यूनियन का वैल्यू 140 निकल कर आया, ठीक है, यूनियन का वैल्यू 140 निकल कर आया। तो आप ये देखो कि आपसे पूछ क्या रहा है, ये 140 वो लोग हो गए, यूनियन का मतलब बताया था ना, जो एटलीस्ट C1 और C2 में से किसी एक से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है ना भाई,
तो ये हमें मिल गया। अब आपके क्वेश्चंस जैसे चल रहे हैं उसके हिसाब से आप डील करते जाओ। केमिकल सी वन बट नॉट सी टू, केमिकल सी वन बट नॉट सी टू। तो बेटा देखो जो केमिकल सी वन बट नॉट सी टू है, यानी कि ये सी वन बट नॉट सी टू, यानी कि ये जिसको हम कह रहे हैं कि सी वन तो है लेकिन सी टू नहीं है, है ना, जिसको हम डिफरेंस ऑफ सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, समझ गए। और सेकंड में क्या पूछ रहा है, c2 टू बट नॉट सी वन, सी टू बट नॉट सी वन, जिसका मतलब हुआ b माइनस ए। क्या मतलब हुआ इसका, b माइनस ए, ठीक है ना। तो यहीं से हमें समझ लेना चाहिए, क्या समझ लेना चाहिए, अरे भाई समझ नहीं आ रहा का तुम्हें, C1 से इन्फ्लुएंस्ड है लेकिन C2 से नहीं, तो इसका मतलब क्या है, A माइनस B निकालना है, बोलो बोलो, A माइनस B निकालना है। तो सर ये A माइनस B हमारा वेन डायग्राम से देखो कैसे मिलेगा, A माइनस B, A माइनस बी हमें कैसे मिलेगा, A माइनस बी हमें मिलेगा जब हम इस पूरे 120 में से ये 30 वाला पार्ट निकाल देंगे, जब हम इस 120 में से क्या निकाल देंगे, ये 30 वाला पार्ट निकाल देंगे। समझ में आया नहीं आया, तो सर ये 120 क्या है हमारा, ये 120 है हमारा n ऑफ a, इस n ऑफ में से a में से n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा n ऑफ a माइनस b, ठीक है। और ये a माइनस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, c1 बट नॉट c2। अब आ जाओ वापिस, आप यहां पर क्या निकालोगे, n ऑफ b में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, देखो n ऑफ, और ये सब आपके पिक्चर दिमाग में कैसे बन रही है, जब आप वेन डायग्राम को अपने सामने रख रहे हो, जब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कौन सा सेक्टर किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, तब आप जो है डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन पहले वेन डायग्राम अपने दिमाग में बना लेना, तभी आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर रहे हैं, क्या देगा हमें ये, एन ऑफ बी माइनस ए देगा। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे यार हद कर दी, एन ऑफ ए क्या है 120, इंटरसेक्शन बी क्या है 30, ठीक है, तो एन ऑफ ए माइनस बी कितना आएगा 90, ऐसे तो निकालेंगे। यहां पर देखो एन ऑफ बी क्या है 50, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 30, n of b माइनस ए कितना आएगा 20, समझ में आया। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसको बोल रहे हैं हम लोग c2 बट नॉट c1, जिसका मतलब है ओनली c2, और ऐसी ऊपर इसका मतलब क्या है ओनली c1। तो जो लैंग्वेज समझाई है उसके बेसिस पे अगर चलोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरीके की। अब देखो क्या पूछ रहा है आगे, C1 और C2, तो C1 और C2 तो यही आ गया ना हमारा यूनियन, बात खत्म हो गई सर, क्लियर हो गया। अगर इसी में ऐसे पूछ लेता persons having skin disorder
but neither exposed to C1 or C2. तो वो लोग कितने होते हैं? वो लोग कौन होते बोलो? अरे वो लोग कौन होते भाई? अनित्य वो लोग कौन होते यहाँ पर? वो लोग जिन्हें सर, हाँ सर, 200 में से एटलीस्ट वाले माइनस कर देंगे, यानी कि ये 60 निकल कर आता, जो ना 3 में ना 13 में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। फरतियाल जी समझ में आ रहा है? और ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? अब लिखोगे नंबर तो तभी मिलेंगे ना, लिखने का तरीका यही है मेरे भाई, वेन डायग्राम से सब कर लेते हैं, लेकिन जब लिखना पड़ता है तो हवा टाइट हो जाती बच्चों की। और तुम लोग तो वैसे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो तुम लोग तो कद्दू एक लाइन भी लिख रहे हो, मुझे मालूम है तुम्हारा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लिखो, लिखने की कोशिश करो, ना तुम स्कूल में लिख रहे होगे ना तुम अभी लिख रहे हो, तो परेशानी तो होगी मेरे भाई अगर ऐसी कहानी चलती रही तो। 200 माइनस ए यूनियन बी कितना निकाला, ऊपर देखो 140, कितना आ गया 60। तो बेटा ये लिखोगे तभी तो नंबर मिलेंगे, वेन डायग्राम से नंबर थोड़ी मिलते हैं, वेन डायग्राम तो हम समझने के लिए लिख रहे हैं उसको। आगे आ जाइए सर, आप अपनी एक्सरसाइज पे चलिए, एक्सरसाइज 1.6 की बात कर रहे हैं, सॉल्व करी थी, खोल के भी देखी होगी किताब तुमने क्या है इसमें, और वैसे तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी है, तो फिर तो हो जाएगा काम अगर ऐसी चलोगे तो। हल्के मत देना, बता रहा हूं साइंस वालों को तो 4 घंटे सोने को नहीं मिलता। एक्स और वाई दो सेट्स हैं, एन ऑफ एक्स क्या कह रहा है, एन ऑफ एक्स दे रहा है आपको 17। इसी तरीके से एन ऑफ वाई क्या कह रहा है, एन ऑफ वाई कह रहा है 23। और इसी तरीके से एन ऑफ एक्स यूनियन वाई का वैल्यू दिया है 38। आपको पूछ रहा है एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बताइए। राघव भैया बताओ कैसे निकलेगा ये, जल्दी बताओ कैसे निकलेगा, अब ऐसी कब्जे में आओगे तुम और तो किसी तरीके से आने वाले नहीं। राघव है क्लास में, कैसे निकलेगा ये? Yes, sir. मान लो ये x के बराबर है, अब बताओ सर फॉर्मूला लगाना है। अरे तू खाली वैल्यू को एक्सप्रेशन बता देना मेरे को सर, n of x plus n of y minus n of x intersection। हाँ हाँ बता क्या हो गया, आवाज चली गई। हेलो बताना भाई सर फॉर्मूला, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स यूनियन वाई। ठीक है, यानी कि 38 इज इक्वल टू 17 प्लस 23 माइनस एक्स, यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। तो यहां से एक्स का वैल्यू हमारा 12 आ जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन टू देखो, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स एंड एक्स हैज 8 एलिमेंट्स एंड वाई हैज 15 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव? सेम क्वेश्चन है, तो 18 इज इक्वल टू 8 प्लस 15 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रख देंगे, तो यहां से हमें ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मिल जाएगा
क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, बोलो भाई, खत्म। प्रथम समझ में आ रहा है तेरे को कुछ? यस सर, आ रहा है। बेटा साइंस लिए सीरियस होना पड़ेगा तुम्हें, हल्के मत लेना, पहले बता रहा हूं, पगला जाओगे नहीं तो दो महीने बाद, अगर पढ़ोगे नहीं तो, क्योंकि इतना बोझ सिर पे पड़ जाएगा डेली, इसीलिए डेली पढ़ना है, एक एक घंटा तो एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड ट्यूशन। सर, हाँ जी सर, सर फर्स्ट वाले का टू आ रहा है सर, टू आ रहा है, हाँ टू आएगा, देखो बोलता भी नहीं कोई यार, बोल नहीं सकते हो, कैलकुलेशन वगैरह बड़ा है। अब सर क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री, कह रहा है 400 लोगों का एक ग्रुप है, 250 हिंदी बोल सकते हैं, 200 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको दोनों लैंग्वेज आती है, तो सर यहाँ भी इंटरसेक्शन निकालना है हमें, तो क्या करें, 400 इज इक्वल टू 250, ठीक है, प्लस 200 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों वालों को अपने रख दिया, तो यहां से वो लोग जिनको दोनों लैंग्वेज आती है कितने हो गए, वो कितना आएगा, 50 आएगा, 50 खत्म। यस सर, नेक्स्ट पे आ जाइए सर, ये तो सिंपल सवाल है, इससे इजी क्या करोगे यार, कोई हाथ पकड़े थोड़ी सवाल सॉल्व करा तुम्हारा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहा है, कह रहा है एस और टी दो सेट्स हैं, एस के 21 एलिमेंट हैं, टी के 32 एलिमेंट हैं, एस इंटरसेक्शन टी 11 है, तो यूनियन निकालना है हमें, तो एन ऑफ एस यूनियन टी अपने को फाइंड करना है, तो एन ऑफ एस रख लो, एन ऑफ एस कितना है 21, एन ऑफ टी रख लो कितना है 32, माइनस कर दो एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी यानी कि 11, तो सीधा अपने को मिलता है क्या, क्या मिलता है 42, खत्म। अब इससे इजी क्या होगा, क्वेश्चन फाइव क्या कह रहा है, क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन फाइव कह रहा है एक्स और वाई दो सेट्स हैं, x के 40 एलिमेंट हैं, यूनियन का वैल्यू 60 दिया है, इंटरसेक्शन का वैल्यू 10 दिया है, y के एलिमेंट पूछ रहा है, तो मान लेते हैं y के एलिमेंट y है, ठीक है, तो यूनियन यानी कि 60 का वैल्यू n ऑफ x यानी कि 40 प्लस n ऑफ y यानी कि y रख देता हूं माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y के इक्वल होगा, x इंटरसेक्शन y कितना दिया है 10, तो यहां से y का वैल्यू कितना 30। नेक्स्ट आ जाइए सर, अबे कोई तकलीफ तो नहीं है, मैं बार बार फॉर्मूला थोड़े लिखूंगा, अब सब कुछ तो समझा दिया, जो नहीं समझ में आया तो वापस देखो ना पीछे क्या क्या बताया है उसको पढ़ो, 6th वाले में कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, इसका मतलब ये है कि जो यूनियन है उसका वैल्यू 70 है, समझ में आया लैंग्वेज कैसे पढ़नी है, तो 70 इज इक्वल टू 37 कॉफी वाले, 52 चाय वाले मोदी जी टाइप, और अब उसने कभी चाय तो बेची नहीं जिंदगी में, चाय बेची उनने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची, बोल बोल के प्रधानमंत्री बन गया, लोगों के वोट ले दिए, अब लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उसका नाम सिस्टम हो गया है, देश सिर्फ एक ही तरीके से बच सकता है और मोदी जी बता सकते हैं, वो तब जब वो अपना इस्तीफा दें और झोला उठा के चल लें,
लोग कहते हैं मोदी नहीं तो फिर किसको बनाए, मुझे बनाओ, मैं बताता हूं, देखो कैसे चलता है देश। 37, 52 माइनस वो लोग जो दोनों चाय कॉफी दोनों पीते हैं, ठीक है, तो अपन उसको एक्स रख दे रहे हैं, सॉल्व कर देंगे सीधा, एक्स का वैल्यू निकालो कितना आ रहा, फटाफट निकालो, 19 एक्स का वैल्यू 19, ठीक है भाई, किसी को टेंशन तो नहीं है, देख लो भाई टेंशन है तो बता दो अभी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, इतने फर्की सवाल है, बार बार डायग्राम थोड़ी बना करूंगा, देखो जहां जरूरत पड़ेगी वहां बनाएंगे। कह रहा है ना ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 लाइक क्रिकेट, 40 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। तो अब यहां पर आप थोड़ा सा फंस सकते हो, तो अब आप अपने आप को प्रिपेयर करो डायग्राम के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हालांकि अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से जाना चाहते हो तो पहले मैं आपको वैसे ही लेके जाता हूं। 65 लोग ऐसे हैं जिनमें से 40 क्रिकेट, 10 लोग जो है क्रिकेट और टेनिस दोनों, और पूछ रहा है कितने ऐसे हैं जिनको जो टेनिस खेलना पसंद करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 65 को मेरे को यूनिवर्सल में रखना चाहिए या 65 मेरे को यूनियन में रखना चाहिए। तो 65 मैं यहाँ पर यूनियन में रखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहीं से कहीं तक इस तरीके की कोई ना तो बात दी गई है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं आता, मतलब ना तो वो क्रिकेट खेलते हैं ना टेनिस, बल्कि उसने लिखा हुआ है कि 65 लोगों के एक ग्रुप की कहानी ऐसी है ना, और कहीं से कहीं तक इशारा नहीं किया कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस को पसंद नहीं करते। तो फिर 65 ही यूनियन बन जाएगा, तो 65 इज इक्वल टू क्या होगा, 40 प्लस वो लोग जो टेनिस खेल रहे हैं, मैं उसे टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, माइनस वो लोग जो दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं। तो पहले हम वो लोगों को निकालें जो टेनिस को पसंद करते हैं, तो टेनिस को पसंद करने वाले लोग कितने हो गए, 35। अब ये वो लोग हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं, यानी कि एन ऑफ टी है ये, ठीक है ना, ये क्या है, एन ऑफ टी है, एन ऑफ टी यानी कि टेनिस को पसंद करने वाले 35 है। लेकिन हमें उन लोगों के बारे में बताना है जो टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। अब टेनिस खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओनली टेनिस की बात हो रही है, ओनली टेनिस की बात हो रही है ना। अरे यार अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, सिर्फ टेनिस की बात हो रही है, ठीक है ना, या अपन इसको क्या कह रहे हैं, टेनिस बट नॉट क्रिकेट। ठीक है, टेनिस बट नॉट क्रिकेट, तो टेनिस बट नॉट क्रिकेट का मतलब क्या है, एन ऑफ टी बोलो, एन ऑफ टी माइनस सी यानी कि टेनिस वालों में से वो लोग निकाल दे जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, डिफरेंस ऑफ सेट की बात हो रही है, ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो कैसे मिलेगा ये हमें मिलेगा जब हम एन ऑफ टी में से माइनस कर देंगे एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। आया समझ में, यही तो किया था अभी हमने थोड़ी देर पहले। तो 35 माइनस 10 यानी कि 25। जिन लोगों को ये पल्ले नहीं पड़ा हो यहां से देखो, ये हमारा इसकी जरूरत नहीं है ना, ये हमारे क्रिकेट वाले, ये हमारे टेनिस वाले, सी टी सी वाले,
और पी पी वाले अपने को मालूम नहीं, वो लोग जो दोनों खेलते हैं 10, यूनियन का वैल्यू दिया है 65, तो यहां पर जो सिर्फ क्रिकेट वाले हैं वो कितने हो गए 30, ये अपने को मालूम नहीं है, हमने टी मान लिया स्मॉल टी, ठीक है। तो अब यही तो मतलब हुआ ना, अरे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, सही तो है। तो यहां पर 30 प्लस 10 प्लस टी का वैल्यू यूनियन को बनाएगा ना, और यूनियन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 65 है, तो यहां से हम लोग टी का वैल्यू निकाल रहे हैं 25। जब हमारा टी 25 आ गया तो यहां से हम देख सकते हैं कि इधर इस 25 में से जब हम 10 माइनस कर देंगे तो ये स्मॉल टी का वैल्यू में मिलेगा, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अरे कुछ गड़बड़ करवा दिया आपने, क्या गड़बड़ हो रही है, सही है सर। तो फिर यहाँ 35 कैसे आ रहा है सर, वो ऊपर वाला टी निकालेंगे ना। हाँ ठीक है ना, ये हमारा 25 है तो ये हमारा 35 होगा ऊपर, दोनों टी एक जैसे लिख दिए ना मैंने, ये 35 हो गया, पूरा सर्किल 35 हो गया, कैपिटल टी है, ठीक है। तो वही हम लोगों ने यहां पर फाइंड किया है और हमें मिल गया है। अब सर ये जो स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी क्या है हमारा, ये स्मॉल टी है हमारा टी माइनस सी, और ये जो 30 है ये 30 क्या है हमारा, ये 30 है हमारा सी माइनस टी, समझ में आया। और ये 10 क्या है हमारा, 10 ये 10 है हमारा सी इंटरसेक्शन टी, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से खेल चल रहा है सर। तो ये जो टी माइनस सी है ना, ये वो लोग हैं जो ओनली टेनिस खेलते हैं, ठीक है, सिर्फ टेनिस खेलने वाले हैं, मतलब जो टेनिस तो खेल रहे हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहे, क्लियर हो गया। ये है प्रोसीजर, तो जहां फंसो वहां बना लो। एयर वाला देखो 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20 लोग स्पैनिश बोलते हैं, 10 लोग दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, कितने ऐसे हैं जिनको कम से कम एक लैंग्वेज आती है, यानी कि मेरे को यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालना है तो क्या करूं, 50 प्लस एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 10। तो सर सीधा सीधा हमको यूनियन का वैल्यू 60 मिल गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एन ऑफ एफ यूनियन एस, फ्रेंच और स्पेनिश दोनों, ठीक है, ये हो गए। और मैं पहले कह चुका हूं कि यूनियन का मतलब एटलीस्ट वन होता है, यहां तक कोई फाइट है तो बोलो, बाकी रीजॉइन कर लो, अभी स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी खत्म हो रहा टाइम। रीजॉइन कर लेना, हाँ हाँ सर रीजॉइन करना है सर, इतनी जल्दी कहाँ छोड़ रहे हो आपको।